नमस्कार प्रणाम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योगा एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर 23 ए चंडीगढ़ इसमें अगर आप इच्छुक हैं प्रोफेशनल डिग्री करने के लिए बीएड इन योगा पीजी डिप्लोमा इन योगा थेरेपी बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा एजुकेशन तो इसकी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी इसको देखें पूरा अगर आपको इन कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो इसका लिंक वेबसाइट कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ पे जाके आप क्लिक करें दो लिंक है वो फर्दर डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगा तो वहाँ पे क्लिक करें बी का अलग है पंजाब यूनिवर्सिटी का और पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स का अलग है डायरेक्टर हायर एजुकेशन की साइट पर तो अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं कि क्या क्या कोर्सेज हैं कॉलेज में तीन कोर्सेज हैं पी डिप्लोमा इन योगा थेरेपी बी एड इन योगा एजुकेशन और सर्टिफिकेट कोर्स बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा एजुकेशन तीनों की जो डिटेल है वो आगे हम बताते हैं आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन बी एड योगा की क्या है दो साल का कोर्स है चार सेमेस्टर्स हैं इसके बी एड योगा की जो एलिजिबिलिटी है डूरेशन टू ईयर्स का है जैसे मैंने आपको बताया एलिजिबिलिटी इसकी डिटेल जो है ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में है आप पढ़ लेना फिर भी बेसिक में पढ़ देता हूँ कैंडिडेट विद एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स आइदर इन बैचलर डिग्री और इन मास्टर्स डिग्री इन साइंस सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज कॉमर्स होम साइंस बी बी ए बी सी ए बी ए एल एल बी बी कॉम और एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्वल टू वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं आगे जो किसको कितने परसेंट चाहिए मिनिमम फोर्टी फाइव परसेंट चाहिए सेकेंड स्टैंड में लिखा है बैचलर इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन साइंस मैथमेटिक्स इनको क्या चाहिए फिफ्टी परसेंट मार्क्स चाहिए और जो रिलैक्सेशन है वो पाँच परसेंट की है दोनों में तो इस हिसाब से आप इसकी ट्वेंटी सीट्स है और एडमिशन जो है बी का थ्रू ऑनलाइन सेंट्रलाइज काउंसलिंग बाई पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा होगा इसको अप्लाई भी आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की साइट पे करना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एलिजिबिलिटी कंडीशन पीजी डिप्लोमा इन योगा थेरेपी रेगुलर कोर्स है दोनों के दोनों पहले भी रेगुलर था ये भी रेगुलर है वन ईयर का है थ्री मंथ की इंटर्नशिप आफ्टर एग्जाम आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं इसकी इंटर्नशिप पर आपको दो सेमेस्टर यहाँ कॉलेज में रेगुलर लगाने हैं तो ये पीजी का है इसकी जो एलिजिबिलिटी है ड्यूरेशन वन ईयर थ्री मंथ है

से पहले बी एड में बताया था वो कोई भी स्ट्रीम हो सकती है बीकॉम बी एस वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं और रिलैक्सेशन जो है वो पांच परसेंट रहेगी जैसे नीचे दिया गया है ये डिटेल सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ट्वेंटी फाइव सीट, सीट है, है। एडमिशन इसका ऑनलाइन ही होगा थ्रू काउंसलिंग बाय कॉलेज अथॉरिटीज इसका लिंक दिया गया है डायरेक्टर हायर एजुकेशन की जो वेबसाइट है उस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं वहीं से आपका एडमिशन होगा और इसकी काउंसलिंग जो है वो कॉलेज में होगी आपको वेबसाइट पे अपडेट रहना होगा कॉलेज की वेबसाइट है जो फर्दर आपने स्टार्टिंग में जब मैंने पेज खोला उसमें लिखी हुई थी डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसकी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा अब एलिजिबिलिटी कंडीशन है बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा एजुकेशन ये पार्ट टाइम कोर्स है इवनिंग में है छ महीने का है और इसके टाइमिंग जो है वो पाँच बजे से लेकर साढ़े सात बजे तक या आठ बजे तक होते हैं दो से ढाई घंटे का ये कोर्स है जो जॉब करते हैं जो वर्किंग आर्स में नहीं आ सकते सुबह नौ से पाँच के बीच में उनके लिए खास तौर पे इसमें स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल वेटेज है जो बच्चे प्लस टू के बाद एक सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं और चंडीगढ़ के किसी कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं अदरवाइज इसकी एलिजिबिलिटी भी आपको सेम मिलेगी इसमें लिखा भी हुआ है ड्यूरेशन सिक्स मंथ For regular student category, any student enrolled in a regular degree course in an affiliated college, Punjab University Department, with at least 45% marks in plus two from any recognized board institute, there shall be a relaxation of 5% marks in favored CSTPWD candidates. Isme aapko इनको चालीस परसेंट मार्क्स वाले भी कैंडिडेट मार्क्स बिलोंग टू कैटेगरी चालीस परसेंट से कम जो है वो नहीं एलिजिबल होंगे अब ये है एलिजिबिलिटी फॉर जनरल पब्लिक इम्प्लॉइज कैटेगरी ये इनके लिए है एनी इंडियन सिटीजन विद ग्रेजुएशन डिग्री एटलीस्ट फोर्टी फाइव मार्क्स एनी रिकॉगनाइज यूनिवर्सिटी देयर शैल बी ए रिलैक्सेशन ऑफ फाइव परसेंट मार्क्स इन फेवर ऑफ एस सी एस कैंडिडेट्स तो इनके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी है बट ये ध्यान से देखने वाली बात है कि जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए प्लस टू और साथ में डिग्री कर रहे हो और फॉर जनरल पब्लिक जो के एम्प्लॉई हो या कुछ भी है घर पे काम नहीं भी कर रहे हो घर बैठे हो वो भी कर सकते हैं बट उनके लिए ग्रेजुएशन चाहिए स्टूडेंट्स के लिए और दो सीट्स होती हैं हमारे फॉरन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बीस सीट के अलावा है जो इनटेक है हमारी बीस सीटों की है दस दस सीट पब्लिक और स्टूडेंट्स की और दो सीट जो है वो फॉरेन स्टूडेंट्स की रहेगी इसका जो एडमिशन का प्रोसेस है ऑनलाइन थ्रू काउंसलिंग बाय कॉलेज अथॉरिटीज वही जो डिस्क्रिप्शन में साइट दी गई है डायरेक्टर है एजुकेशन की वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं ऑल एडमिशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट जितने एडमिशन है वो मेरिट के बेस पे होंगे जो आपकी एलिजिबिलिटी बनते उसकी मैरिट बनेगी तो जो बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स और पीजी डिप्लोमा है उसका एडमिशन होगा कॉलेज में और पीजी डिप्लोमा का भी कॉलेज में होगा बीएड का जो एडमिशन है वो आपका होगा पंजाब यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग होगी वहां पे आप सब्जेक्ट चुनोगे जाके काउंसलिंग में फिर आपको एडमिशन जब हो जाएगा तो कौन सा कॉलेज आता है अगर गवर्नमेंट योगा कॉलेज में आता है तो आपका एडमिशन इस कॉलेज में हो जाएगा वो थ्रू पंजाब यूनिवर्सिटी होगा बी का फिर भी आपके कोई डाउट है कुछ आप पूछना चाहते हैं कुछ और डिटेल लेनी है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख दें वहां पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा वेबसाइट नीचे दी गई है जिसमें कॉलेज का फोन नंबर भी है आप फोन पे भी कॉल कर सकते हैं और वेबसाइट जो दी गई है डब्ल्यू 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 डॉट जी सी वाई ई एच डॉट ई डी यू डॉट इन इस पर जाएंगे तो आपको जितनी अपडेट्स होंगी काउंसलिंग के रिगार्डिंग एडमिशन के रिगार्डिंग जिसने अप्लाई किया है ख़ास तौर उनके लिए तो वहाँ पे मिलती रहेगी फिर भी आपको कोई जानकारी नहीं मिलती है फ़ोन कर लें या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे अपना क्वेश्चन लिख दें आपको आ, आंसर उसका टाइमली दे दिया जाएगा तो थैंक यू सो मच You are welcome in Government College of Yoga Education and Health. Thank you.